बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ इंग्लिश टेंसेस। इंग्लिश टेंसेस की मास्टर क्लास में मैं आपको खुशामदीद बोलता हूँ। फर्दर चलने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि टेंसेस असल में क्या होते हैं। टेंसेस असल में एक ऐसी टर्म है जो कि किसी भी टाइम पीरियड को एक्सप्रेस करती है। टेंसेस आर द एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, यानी कल यानी यस्टरडे हमारा माजी है, टुडे प्रेजेंट है हमारा यानी आज, और टुमारो यानी ये हमारा क्या होगा, मुस्तकबिल। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डिफाइन करने वाली, ये एक्सप्रेस करने वाली टर्म को हम बोलते हैं टेंसेस। और असल में टेंसेस में हम किसी भी काम के या किसी भी फिनोमिना के टाइम पीरियड को ही प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस की तरफ। प्रेजेंट टेंस है, इसकी बेसिक में दो टेंस आते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनेट। द सेकेंड वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के यहां पर मैंने कुछ फिक्र लिखे हुए हैं। इन फिक्रों से ही या इन सेंटेंस से ही आप लोगों को कुछ फर्क वाजे हो रहा होगा। आई लर्न, आई एम लर्निंग, मैं सीखता हूं, मैं सीख रहा हूं, कोई फर्क आपको यकीनन एक फर्क आपको साफ वाजे हो रहा होगा। तो ये फर्क क्या है? अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप देख रहे हैं आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं। तो इस फिक्रे में, इस सेंटेंस में एक कोई काम किया जा रहा है, यानी अभी की बात हो रही है, नाउ। और दूसरा इसमें ये कि वो अभी सीख रहा है, इसका मतलब है कि वो एक ऐसे काम, ऐसा काम कर रहा है जो अभी जारी है, जो कि अभी खत्म नहीं हुआ, यानी प्रोग्रेसिव काम है। प्रोग्रेसिव मतलब वो इस काम की प्रोग्रेस की तरफ जो है मूव कर रहा है, कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, उसको मुकम्मल करने की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये उसकी टेम्परेरी सिचुएशन होगी, क्योंकि अभी काम उसका जैसे मुकम्मल हो जाएगा तो वो सिचुएशन से निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि इसकी टेम्परेरी सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम जिस टेंस का इतलाक करते हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट सिंपल में आप देख रहे हैं आई लर्न, मैं सीखता हूं, इसका मतलब है कि ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो कि कोई भी शख्स अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है किसी को। मैं सीखता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं बैंक में जॉब करता हूं। तो ये क्या एक स्टेटमेंट है जो कि जनरल स्टेटमेंट, जो कि अपनी लाइफ के बारे में वो बता रहा है। और सेकंडली हम इसको परमानेंट सिचुएशन में बोलेंगे, जनरल के साथ साथ हम इसको परमानेंट में भी बोलेंगे। परमानेंट इस तरीके से है कि मैं सीखता हूं, जब तक मेरे सीखने का अमल खत्म नहीं हो जाता तब तक तो मेरे लिए एक परमानेंट ही है। हाँ, मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि परमानेंट मेरी लाइफ तक, लाइफ लॉन्ग तक, मतलब आखिर तक मेरे साथ परमानेंट नहीं है, लेकिन जब तक ये सिलसिला खत्म नहीं हो जाता तब तक ये परमानेंट ही है। ये जैसा मैं बात करूं, मैं लैब में काम करता हूं, तो जब तक मैं इस लैब में काम कर रहा हूं तब तक तो एक मेरे लिए एक परमानेंट सिचुएशन ही है। तो इस तरीके से ये परमानेंट सिचुएशन भी हम इसको प्रेजेंट सिंपल में ही लिखते हैं। चलिए प्रेजेंट सिंपल के बाकी सेंटेंस भी जो है पढ़ते हैं यहां से। आई लर्न, मैं सीखता हूं। यू लर्न, तुम सीखते हो। वी लर्न, हम सीखते हैं। दे लर्न, वो सीखते हैं। ही लर्न, ही लर्न्स, वो सीखता है। शी लर्न्स, वो सीखती है। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल के। When to use present simple? Present simple को हमने कहां इस्तेमाल करना है? यहां पर मैंने कुछ सिचुएशन लिखी हुई हैं। आप इन सिचुएशन में प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन जो कि आपके लिए इस चीज को बहुत आसान बना देगी कि किस तरीके से आप अपनी डेली रूटीन में या अपने स्केड्यूल्स में प्रेजेंट इंडेफिनेट को या प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें पहली सिचुएशन है परमानेंट सिचुएशन है,
वी लिव इन कराची, हम कराची में रहते हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब तक जो है वो कराची में रह रहे हैं, उन्होंने कहीं और ट्रांसफर नहीं किया, किसी और सिटी में ट्रांसफर नहीं हुए, तब तक उनके लिए एक परमानेंट सिचुएशन ही है ये वाली। तो वी लिव इन कराची ये परमानेंट सिचुएशन है, तो इसलिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनेट। ही वर्क्स एट अ बैंक, वो एक बैंक में काम करता है, जब तक वो उस बैंक में काम कर रहा है उसके लिए एक परमानेंट सिचुएशन ही है। तो ऐसी भी कोई भी परमानेंट सिचुएशन हो, इसमें आपने क्या यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल। दूसरी सिचुएशन है रूटीन्स की। अगर आप किसी से अपनी रूटीन शेयर कर रहे हो, या कोई आपसे पूछ रहा है कि आप डेली क्या रूटीन है आपकी, आप लंच ब्रेक के बाद क्या करते हो, तो आप हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही उसको एक्सप्लेन करेंगे। आई वेक अप एट 6, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, या मैं 6 बजे उठता हूं। आई गो टू स्कूल एट 8:45, मैं 8:45 पर स्कूल जाता हूं। तो अब ये उसकी रूटीन है, उसका रूटीन वर्क है ये वाला। फैक्ट्स जो होते हैं, मतलब ऐसे हकायक, फैक्ट्स मीन्स होता है हकायक, जितने भी हकायक हैं ये भी आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। जैसे जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में। जैसे जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, ये भी एक फैक्ट है, तो ये भी आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अगली सिचुएशन है स्केड्यूल्स। आवर क्लास स्टार्ट एट 9, हमारी क्लास 9 बजे शुरू होती है। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये एक परमानेंट सिचुएशन भी आ रही है कि जब तक आपका जो स्केड्यूल वाला चेंज नहीं हो रहा, तब तक एक परमानेंट सिचुएशन भी है ये, और ये आपकी रूटीन भी बन चुकी है कि आप रोजाना 9 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है। लेकिन अगर हम स्केड्यूल्स की बात कर लें, तो स्केड्यूल्स भी जब आपने किसी से शेयर करने होते हैं तो आपने उसमें प्रेजेंट डेफिनेट ही यूज करना है। शी स्लीप्स एट नून, वो दोपहर में सोती है, तो ये उसका स्केड्यूल है। स्केड्यूल का मतलब जरूरी नहीं होता कि आपने किसी पेपर पर लिखा हो, प्रॉपर डायग्राम्स बनाई हो, चार्ट बनाया हो। स्केड्यूल हर वो चीज है जो कि आपके माइंड सेट में फिट हो चुकी है और आप उसी के मुताबिक जो है अपनी डेली के रूटीन्स को परमानेंटली लेके चल रहे हो, उसको हम बोलेंगे स्केड्यूल्स। द लास्ट सिचुएशन है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन को मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं पहले आप लोगों को। फ्रीक्वेंसी जो होती है, जैसा यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, ही ऑलवेज टेक्स द बस, वो हमेशा बस लेता है, यानी वो हमेशा बस पर जाता है। अब यहाँ पे ऑलवेज लगाया मैंने, ऑलवेज का मतलब है कि वो हमेशा, यानी अगर हम एक हफ्ते की बात कर लें तो एक हफ्ते में 7 दिन ही वो बस पर ही जाता है, तो इसका मतलब है 100% श्योरिटी है, तो हम यूज करेंगे ऑलवेज। इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सी आ गई है, ऑलवेज की, ही ऑलवेज टेक्स अ बस, वो हमेशा बस पर जाता है या वो हमेशा बस लेता है। अगर हम बात करें 7 दिन में से, वो 5 दिन तो बस पे जाता है और 2 दिन वो मोटरबाइक पर, तो वो इसका मतलब है वो अक्सर बस पर जाता है, ही ऑफन टेक्स अ बस, यहां पे ऑफन का वर्ड आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन वो बस पर जाता है और बाकी 3 या 4 दिन वो मोटरबाइक पर या रिक्शा पर जाता है, तो हम बोलेंगे ही समटाइम्स टेक्स अ बस। तो यहां पे जो टर्म यूज होगी वो कौन सी होगी, समटाइम्स। और अगर वो पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 दिन बस पर जाता है और बाकी टाइम वो पैदल जाता है, मोटरबाइक पर जाता है या वो रिक्शा पर जाता है, तो हम बोलेंगे ही रेयरली टेक्स अ बस। तो यहां पे हम टर्म कौन सी यूज करेंगे, रेयरली की। और अगर वो पूरा हफ्ता 1 भी दिन बस पर नहीं जाता, तो हम लिखेंगे ही नेवर टेक्स अ बस, वो कभी भी बस पर नहीं जाता। तो ये है सिचुएशंस, जिन सिचुएशंस में आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू यूज प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल ये प्रेजेंट डेफिनेट को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या अगर मैं दूसरा लफ्ज बोलूं
तो प्रेजेंट सिंपल ये प्रेजेंट डेफिनेट के फिक्रों को या सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर दी जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव, इधर मैंने पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी भी काम के करने का जिक्र है। नेगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी भी काम के ना करने का जिक्र है। और क्वेश्चन सेंटेंस है यहाँ पे, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी भी काम के बारे में या ऐसे सेंटेंस जिनमें सवाल किया गया है उसको बोलेंगे क्वेश्चन सेंटेंसेस। सबसे पहले जाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस पे। पॉजिटिव सेंटेंस में आप देख रहे हैं आई यू वी दे, इनके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। ऐसे ही ही शी इट के साथ भी वर्ब की पहली फॉर्म ही लगेगी, लेकिन वहां पे एस और समटाइम्स ई एस का इजाफा होता है। आप लोग इस वीडियो को देखते देखते साथ मेरे साथ आप लोग इसको प्रैक्टिस भी करें। आई वर्क, मैं काम करता हूं। यू वर्क, तुम काम करते हो। वी वर्क, हम काम करते हैं। दे वर्क, वो काम करते हैं। इस तरीके से ही वर्क्स, वो काम करता है। शी वर्क्स, वो काम करती है। इट वर्क्स, ये काम करता है या ये काम करती है। अब यहां पे ये चीज क्या है, ये चीज कोई भी हो सकती है। वो आपके किचन का ब्लेंडर भी हो सकता है, वो आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, और वो आपका मोबाइल भी हो सकता है। इट वर्क्स, ये काम करता है या करती है। अब आप देख रहे हैं यहां पे कि आई वी यू दे के साथ हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगाई है, लेकिन जब हमने ही शी इट की बात की है तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने एस का इजाफा कर दिया है। ये वर्ब इज ही शी इट के साथ हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा इसलिए नहीं किया कि हमने इसको प्लूरल बनाना, यानी जमा में तब्दील करना है। ये ग्रामेटिकल एस है, यानी ग्रामर के लिहाज से हमने ही शी इट के साथ जब भी वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है एस लगाना लाजमी है, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल की बात करें। आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डू या डज यूज करते हैं। डू और डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर हम बात करें आई यू वी दे की तो हमेशा डू नॉट लगेगा, और इस तरीके से अगर हम बात करें ही शी इट की तो डज नॉट लगेगा। डू नॉट को शॉर्ट करके डोंट भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं आप। आमतौर पे ऐसे होता था हम लिखते हैं तो डू नॉट लिख लेते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो बोलने में आमतौर पे हम लोगों की कोशिश होती है कि कम से कम वर्ड इस्तेमाल हो, तो हमारी जो है लैंग्वेज की जो टर्म्स होती हैं उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाता है। तो आप बोलने में बोल सकते हैं आई डोंट वर्क। अब ये डोंट जो है एक्चुअली डू नॉट की ही एक शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरीके से doesn't जो है वो does not की एक शॉर्ट फॉर्म है। not का o कट गया यहां से, o को हमने रिमूव करके इनको इकट्ठा करके हमने लिख दिया है, और o की जगह हमने apostrophe यानी एक हवा के अंदर एक कोमा लगा दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से does not में से not का o निकाल के हमने इनको इकट्ठा करके और o की जगह हमने apostrophe यानी हवा में एक छोटा सा कोमा लगा दिया, तो जिससे बन गया ये doesn't। I do not work, you don't work, we don't work and they don't work। इसी तरीके से हम बात करेंगे he she it की, he doesn't work। अब आप देख रहे होंगे यहां पे s का जो इजाफा किया था यहां पे वो हम दोबारा से हमने उसको s को वापस ले लिया, क्यों? क्योंकि हमने यहां पे helping verbs लगा दिए हैं। he doesn't work and it doesn't work। Next one है question। Question में हम जो do या does होगा उसको शुरू में ले आएंगे, like do I work, क्या मैं काम करता हूं। Do you work, क्या तुम काम करते हो। Do we work, क्या हम काम करते हैं। इस तरीके से does she work, क्या वो काम
करती है। ये क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं, लेकिन बाज़ क्वेश्चन सेंटेंसेस में हमें क्वेश्चन वर्ड्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ ऑफन एंड वेयर। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे बात करें डू यू वर्क, क्या तुम काम करते हो, लेकिन अगर हमने उससे ये पूछना हो तुम कहाँ काम करते हो, तो हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। वेयर एक ऐसा वर्ड है जो कि क्वेश्चन वर्ड के तौर पर जाना जाता है, तो हम इसको बिल्कुल शुरू में ले आएंगे। डू से भी पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लगा देंगे। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ काम करते हो। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। अब अगर आप इस पूरे चार्ट को देखें तो हमने सिर्फ ही शी इट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही एस ए ई एस का इजाफा करना है। बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं आई यू वी दे के पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में सब में हमने वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और ही शी इट के सिर्फ पॉजिटिव में हमने एस और ई का इजाफा करना है, लेकिन नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में हमने एस का या ई एस का इजाफा नहीं करना। स्पेलिंग ऑफ वर्ब्स, पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हम लोगों ने जब भी ही शी इट का जिक्र करना है तो उसके साथ पॉजिटिव सेंटेंस में हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। तो अभी यहां पर आपको बताऊंगा किस तरीके से आप वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म को एस या ई एस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं, जैसा हमने अभी पिछली जो एग्जांपल थी में वर्क का जो है वो हमने एग्जांपल ली थी, तो जितनी भी मोस्टली जो वर्ड्स हैं उनके साथ एस का इजाफा होता है, जैसे डांस डांसेस, कुक कुक्स, स्लीप स्लीप्स, वॉक वॉक्स, सेंड सेंड्स, लाई लाइज। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि एंड हो रहे हैं, इनके जिनके आखिर में एस एस एच सी एच एक्स या ओ आए, तो उनके एंड भी हमने सिर्फ एस नहीं ई एस का इजाफा करना है, जैसा कि वॉश वॉशिज, एंड पे एस एच आ रहा है तो हम लगाएंगे ई एस वॉशिज। टीच, एंड पे सी एच है तो ये एंड टीचेस हो जाएगा, ई एस का इजाफा होगा इसके साथ। एफ आई एक्स फिक्स, एंड पे एक्स आ रहा है तो ई एस का इजाफा होगा फिक्सेस। गो, एंड पे ओ आ रहा है तो ई एस का इजाफा होगा गोज। एम आई डबल एस, एंड पे एस आ रहा है तो मिसेस। इसी तरीके से एक तीसरी जो है इसमें कंडीशन है, वर्ब्स एंडिंग इन वाई, कोई भी ऐसा वर्ब जो कि वाई पे खत्म हो रहा हो तो उसमें से हमने वाई को ड्रॉप कर देना है, और वाई को ड्रॉप करने के बाद आई ई एस का इजाफा करना है, जैसा कि स्टडी, द लास्ट वर्ड इज वाई, सो वी विल ड्रॉप वाई एंड वी विल एड आई ई एस, सो इट विल बिकम स्टडीज। Try, we will remove y and we will add ies, tries. ऐसा ही fry, एंड पे y आ रहा है, y को हम रिमूव करेंगे और ies का इजाफा करेंगे, fry से बन जाएगा fries. इस तरीके से कुछ और फॉर्म्स भी हैं, जैसा कि have, has. अगर हम बात करें I, we, you, they की, तो इनमें लगे हम यूज करेंगे have, लेकिन जब हम बात करेंगे he, she, it की तो हम ve रिमूव करके s लगा देंगे, तो ये have की जगह हम has का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट आंसर्स, बाज़ औक़ात इंग्लिश लैंग्वेज में हम एक
लॉन्ग आंसर देने के बजाय शॉर्ट फॉर्म में छोटा सा जवाब भी दे सकते हैं, जैसा कि यहां पे लिखा है डू दे नीड हेल्प, क्या उन्हें मदद चाहिए, यस दे नीड हेल्प, ये इसकी पूरी फॉर्म है। यानी अगर मैं इसी सेंटेंस को आंसर करूं फुल फॉर्म में तो बनेगा यस दे नीड हेल्प, लेकिन क्योंकि हम लोग बाज़ुकाल इसको शॉर्ट कर लेते हैं तो इसलिए आसान वर्ड में आप ये शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो यस दे डू, और अगर आप नो बोलोगे नो दे डोंट। इस तरीके से सेकेंड एग्जांपल है डज ही स्पीक उर्दू, क्या वो उर्दू बोलता है, अगर तो वो बोलता है तो हम बोलेंगे यस ही डज, अब आपको पूरा फिक्र बोलने की जरूरत नहीं है स्पीक उर्दू, यस ही डज, और अगर वो नहीं बोलता नो ही डजंट। डू यू लाइक दिस बुक, क्या ये आपको ये किताब पसंद है, अगर तो आपको वाकई वो किताब पसंद है यस आई डू, जी हाँ मुझे पसंद है। अब यहां पे आपने पसंद यानी लाइक का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया लेकिन फिर भी आपने एक शॉर्ट फॉर्म में अपना आंसर कन्वे कर दिया है। आगे चलते हैं मिस्टेक्स की तरफ। बाज़ुकात प्रेजेंट सिंपल को बोलते हुए या प्रेजेंट सिंपल की प्रैक्टिस करते हुए कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमसे हो सकती हैं, तो उन मुमकिन गलतियों की मैं यहां पर निशानदेही कर रहा हूं। टेंस में गलती ये हो सकती है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है आई एम लिविंग इन फैसलाबाद, अगर तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की तो यहां पे हम लोग प्रेजेंट सिंपल को ही यूज करेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट को ही यूज करेंगे, तो यहां पे आपने प्रेजेंट सिंपल में आई एम लिविंग की बजाय आपने आई एम लिविंग, ये एक गलती है, यहां पे आपने लिखना है आई लिव। आपने लिव का इस्तेमाल करना है, आई लिव इन फैसलाबाद। इस तरीके से अगर वर्ब की बात करें वी लाइक्स टू ट्रेवल, वी लाइक्स टू ट्रेवल, और अभी हमने जो प्रैक्टिस की है हमने देखा था कि आई वी यू और दे के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है और साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना, तो यहां पे ये मिस्टेक है तो हम इस एस को यहां से कट कर देंगे, तो ये सेंटेंस बन जाएगा वी लाइक टू ट्रेवल, हमें सफर करना पसंद है या हम सफर करना पसंद करते हैं। फॉर्म की अगर बात करें डज यू टॉक टू हिम ऑफन, और अभी हमने पढ़ा था कि आई वी यू दे के साथ हमने डू का इस्तेमाल करना है डज का नहीं, तो यहां पे ये मिस्टेक है, हमने डज को यहां से रिमूव कर देना है काट देना है। तो ये सेंटेंस की जो करेक्ट फॉर्म होगी वो होगी डू यू टॉक टू हिम ऑफन। नेक्स्ट वन है स्पेलिंग की मिस्टेक है यहां पे, एग्जांपल है शी ट्राइज टू सेव मनी, अब हमने देखा था कि ही शी इट के साथ जब वर्ब की पहली फॉर्म लगती है तो उसमें एस या एस का इजाफा होता है, लेकिन अगर वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसके एंड पे वाई आ रहा हो तो हमने वाई को काट के आई ई एस का इजाफा करना है, तो ये यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है टी आर आई ई एस ट्राइज, शी ट्राइज टू सेव मनी। मिसिंग वर्ड, यहां पे कोई वर्ड मिसिंग है, व्हाट टाइम You finish work. अब हमने देखा था कि जो question sentences हैं, question sentences में अगर हम बात करें you की, I, we, you, they के साथ, हमने do को शुरू में लेके आना होता है, लेकिन अगर हम किसी भी question word का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस question word को हमने do से भी पहले ले आना है। जैसा यहाँ पे question word जो है वो what time है, what time एक ये दोनों मिलके एक क्वेश्चन वर्ड बन रहा है, तो हम यहां पे डू का इजाफा करेंगे व्हाट टाइम, यहां पे डू यू फिनिश
वर्क। ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि अक्सर औकात प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल की प्रैक्टिस के दौरान से हो जाती हैं। तो यहां पे इन सबकी निशानदेही कर दी है, आप लोग इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी गलतियां कम होती रहेंगी और उतना ज्यादा आपके टेंसेस इन परफेक्शन आती रहेगी। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग।